बारिश का बहाना हो या फिर चाय पीने का, पकोड़े दोनों रीजन से अच्छे लगते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पकोड़े की बहुत ही सिंपल रेसिपी, जिसमें हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और साथ में तीखी वाली चटनी भी हम बनाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चने की दाल का पकौड़ा बनाने के लिए 1 कप हम चना का दाल ले लेंगे। दाल को आप चाहिए तो पहले से भिगो के रखें, या फिर आधे घंटा पहले भी अगर आप भिगोएंगे ना तो ये चलता है। तो अगर आपको जल्दबाजी है तो गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें, या फिर 2 घंटे अगर भिगोएंगे तो दाल एकदम परफेक्टली ऐसे फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को पहले से भिगो के रखा था, मैंने इसे 1 घंटे भिगोया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे 2 इंच, और यहाँ पे 10 से 12 लहसुन डाल दें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें, 3 से 4 चम्मच पानी डालें, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालें, और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड आप इसे थोड़ा सा दरदरा करें, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तभी पकौड़े में अच्छा सा क्रंच आएगा। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे चने के दाल को पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, इसके साथ धनिया पत्ता डाल दें और लास्ट में प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक काट लिया था। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। 1 छोटी चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर डाल दें और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। लास्ट में आप चाहिए तो इसमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ये इसमें ऑप्शनल है। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको मिला दें, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए, ये मिक्सचर ऐसा बनेगा। तो ये हमारा पकौड़े का मिक्सचर बन के तैयार हो गया, जिसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे हमें तल लेना है। तो तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रखा था, ये चम्मच से ऐसे डाल दें। आप चाहिए तो यहाँ पर हाथों से भी इसे डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखिए और इसे तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाए। जब भी आप दाल के पकोड़े बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे अच्छी तरह पकाएं, नहीं तो दाल जो है वो अंदर से कच्चे रहेंगे। या तो आप पकोड़े छोटे बनाएं, या फिर अगर बड़े बना रहे हैं तो ज़्यादा देर तक पकाएं। तो ये हमारा पहला बैच जो है वो बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो सेम तरीके से हम बाकी के पकौड़ों को तल लेंगे। तो अगर आपको हाथों से डालना है ना तो ऐसे डालेंगे, देखिए छोटी सी ऐसे लोई जैसा मिक्सचर ले ले और किनारों पे डाले, सेंटर में नहीं डाले, तेल के छींटे आएंगे। और इसे भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर तेल गर्म नहीं रहेगा तो ये जो पकौड़े हैं वो नीचे जाके चिपकने लगेंगे, तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, उसके बाद ही पकौड़े पहली बार डालें, बाद में तो तेल गर्म हो ही जाता है। तो ये हमारे पकौड़े जो है वो बन के तैयार है, ये देखिए परफेक्ट क्रिस्पी है और टेस्ट में तो पूछिए मत। तब हम क्या करेंगे ना, थोड़े से हरी मिर्च और ये करी पत्ता को फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को पकोड़े के साथ हरी मिर्च खाने की आदत होती है, तो आप सर्व कर सकते हैं और ये सजावट में भी अच्छा दिखता है। अब इसके साथ मैं एक चटनी भी आपको बता देती हूँ जो बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 10 से 12 लहसुन छिला हुआ, 1/4 कप धनिया पत्ता। इन तीनों को हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच दही और नमक। पानी का इस्तेमाल नहीं करें, बस इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसकी जगह अदरक का इस्तेमाल करें। और चटनी अगर नहीं पीसे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चटनी बनके तैयार है, अब हम चलते हैं सर्विंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप और ये तीखी वाली चटनी रखी और इसके साथ ये पकौड़े रख देंगे। कितना मज़ेदार लग रहा है ना, और इसके ऊपर ये करी पत्ता और हरी मिर्च ऐसे सजा दें। तो जैसे होटल या रेस्टोरेंट में मिलता है ना पकौड़े, या फिर सड़क पर, ये देखिए थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर। और ये हमारी मज़ेदार चने दाल की पकौड़ी जो है वो बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल है रेसिपी, आपने देखा इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चने दाल को 1/2 घंटा के लिए पानी में भिगोना है और फटाफट ये पकौड़े बना के लेना है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।